आपके पास ऑप्शन आता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी लगा सकते हैं। ये अपनी छत रहने वाली है, मतलब रूफ रहने वाली है, जैसा कि आप देख पा रहे हो इसमें फैब्रिक चढ़ाया जा रहा है जो कि ब्लैक कलर का रहने वाला है। भैया गाड़ी में सारा आपने काम देख लिया होगा आप लोग चारों ने, कैसा लगा सर? अच्छा लगा तो अच्छा बताओ, बुरा लगा तो क्या चीज बुरी लगी? भैया अच्छा लगा, कंप्लीट काम बहुत बढ़िया हुआ। सर आपको कैसे लगा? अच्छा काम। लोअर विंडो गार्निश लगी जो कि लीक ही रहने वाली, भाई ये ब्लू ब्लू कोई डरने वाली बात नहीं है। जैसे कवर होता है इसको हटाएगी तो ये हट जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। बेसिकली इसमें कपड़ा लगाया जाएगा जो कि फैब्रिक रहने वाला है। गाड़ी की ओवरऑल लुक को भाई कहीं ना कहीं काफी हद तक प्रीमियम टाइप बना देता है। सो हे गाइस, व्हाट्सअप बैक टू माय चैनल। गाइस आज की जो वीडियो बेसिकली रहने वाली है क्रेटा बेस मॉडल को टॉप मॉडल में कन्वर्ट करने वाला, टॉप मॉडल वाली फीलिंग देने वाला। तो मेक श्योर आपने वीडियो लास्ट से देखिए, कहीं नहीं जाना। पेप्सी तो लेके बैठ जाओ, पॉपकॉर्न तो पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ, भाई हमारी वीडियो देख रहे हो तो पिज्जा और कंपलसरी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। So guys, ये आ चुकी है क्रेटा बेस मॉडल, एक और बेस मॉडल गाड़ी आ चुकी है। इतनी सारी क्रेटा की वीडियो आपने देख ली होगी, बट स्टिल एक और वेरिएशन आप लोग को मिल जाएगा। पीछे की तरफ दिखाऊं तो भाई रिफ्लेक्टर रहने वाले, जैसे कि आपको पता रहने वाला है, लाइट का भी ऑप्शन आता है। बट देखते हैं सर आगे कराते हैं कि नहीं कराते। साइड की तरफ बात करना चाहूंगा भाई, क्रोम हैंडल लगे जो कि लीक के रहने वाले, लोअर विंडो गार्निश लगे जो कि लीक ही रहने वाली। भाई ये ब्लू ब्लू कोई डरने वाली बात नहीं है, जैसे कवर होता है इसको हटाएगी तो ये हट जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। ऊपर की बात करना चाहूंगा, इस क्रेटा जो करी गई है ड्यूल टोन में करी गई, जैसे कि आप देख पा रहे होगे भाई, अल्ट्रा ग्लॉसी ब्लैक में करा गया, जैसे कि आप देख पा रहे होगे। अंदर के साइड चले तो भाई गाड़ी में हो रखी है डैम्पिंग, नेंज कंपनी की डैम्पिंग हो रखी है। नीचे की तरफ चले तो भाई कोएक्सल स्पीकर लगे जो कि रॉकफोर्ड के रहने वाले हैं। फ्रंट की तरफ चले तो भाई फ्रंट में भी रॉकफोर्ड के कोएक्सल स्पीकर रहने वाले। नीचे की तरफ चले भाई तो मेरे साइड से रिकमेंड रहने वाली फ्लोरिंग लगी है सर की गाड़ी में, जैसा कि आप देख पा रहे हो वेलकम प्लेट या फिर स्कर्फ प्लेट इसको आप कह सकते हो, पर्पल इल्यूमिनेशन के साथ है गाइस। व्हाइट इल्यूमिनेशन व्हाइट गाड़ी के साथ इतना अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ की साइड चले तो भाई अपना डैशबोर्ड भी कवर होने वाला है, गियर बूट भी कवर होने वाला। नेक्स्ट चीज की बात करें तो गाइस अपनी गाड़ी में, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि रूफ उतरने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, मतलब रूफ भी अपनी पूरी रैप होगी। बेसिकली इसमें कपड़ा लगाया जाएगा जो कि फैब्रिक रहने वाला है। तो साइड की तरफ ले जाओ तो भाई अपनी गाड़ी में लगे फुट रेस्ट डिजाइन, जैसे कि आप देख पा रहे हो काफी सारी वेरायटी आपको मिल जाती है डिजाइन के मामले में। जैसे ही कपड़ा लगता है तब मैं आपको दिखाता हूँ। फाइनली अपनी गाड़ी में, जैसा कि आप देख पा रहे हो डैशबोर्ड खुल चुका है, रियर की डोर पैनल अपने आ चुका, मलेशियन लेदर रहने वाला है भाई, जैसे कि आपको पास से दिखाऊं तो जस्टिस करके आपको बताना कैसा रहने वाला है भाई। जैसे कि आप देख पा रहे हो ड्यूल स्टिच में आपको सारी स्टिचिंग मिल जाती है। थोड़ा सा दूर से दिखाऊं तो गाइस बहुत प्यारा लग रहा है। गाड़ी की ओवरऑल लुक को भाई कहीं ना कहीं काफी हद तक प्रीमियम टाइप बना देता है। अपनी छत अभी तक आई नहीं, जैसी वो आती है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। बाहर से तो मैंने आपको क्रेटा दिखाई दी थी, अब अंदर से जैसे कि आप देख पा रहे हो भाई ये अपनी छत रहने वाली है, मतलब रूफ रहने वाली, जैसे कि आप देख पा रहे हो इसमें फैब्रिक चढ़ाया जा रहा है जो कि ब्लैक कलर का रहने वाला है। गाइस अभी फिनिशिंग ही चल रही है, अपने मनोज भी फिनिशिंग कर रहे हैं, जैसी वो डन होती है फिर मैं आपको दिखाता हूँ जब ये गाड़ी में जाता है। रूफ तो मैंने आपको दिखा दिया, अब गाइस सीट कवर की तरफ आते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो क्रेटा की सीट कवर जो कहीं ना कहीं रेक्टेंगल शेप में रहने वाले, दूर से आपको दिखाऊं तो कुछ ऐसे रखे, पास से आपको दिखाऊं तो भाई सब कुछ आपको ड्यूल स्टिच मिल जाएगा, यहाँ से भी यहाँ से भी। अभी मान के चलो 80% काम डन हुआ है, मतलब इधर की फिनिशिंग रहती है इधर की प्रॉपर डन हो चुके हैं, जैसी ही प्रॉपर फिनिशिंग आती है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। फाइनली अपनी गाड़ी में मैक्स टू मैक्स काम डन हो चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे हो डोर पैनल अंदर की तरफ ले जाओ तो भाई अपना डैशबोर्ड भी कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि सब कुछ कॉम्बिनेशन में रखा गया। ऊपर की तरफ ले जाऊं तो रूफ जैसे कि मैंने आपको दिखाई थी। नेक्स्ट चीज की तरफ बात कर रहे थे भाई, अपनी गाड़ी में स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल लग चुके हैं, 10 इंच का हाइपरसोनिक का स्टीरियो लगा, आउटपुट वगैरह सब कुछ आपको लास्ट में सुनाऊंगा। फ्रंट में अपने चल रहे एक्सल स्पीकर जो की रॉकफोर्ड के रहने, रियर में भी अपने कोएक्सल स्पीकर चल रहे हैं। नेक्स्ट चीज की तरफ आपको ले जाऊं तो गाइज अपनी गाड़ी में जो गाड़ी के एक तरह से कहूंगा शूज जो होते हैं भाई अपग्रेड हो चुके हैं, अलॉय जैसे कि आप देख पा रहे हो भाई सेम टायर रहने वाला जो कंपनी फिट, इसी में हमने अलॉय फिट करे। रिस्पॉन्स जैसे कि आप देख पा रहे हो, बाकी आपने बताना कह सकते। पर्सनली व्हाइट गाड़ी का ब्लैक टोन जो आ रहा है तो बहुत अच्छा रहने वाला है, पीछे से भी देख लो भाई। जैसी अपनी गाड़ी में सीट कवर आते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूँ। फाइनली अपनी गाड़ी का काम कंप्लीट हो चुका है, क्रेटा बेस मॉडल कहीं ना कहीं इसको टॉप से भी ऊपर हमने फीलिंग दे चुके हैं। बात करना चाहूंगा फ्रंट से, इसमें लगाई है भाई क्रोम गार्निश जो कि ग्रिल पे पूरी रहने वाली है। नीचे के साइड फॉग लैम्प की बात करूं गाइस, ये OEM टाइप
फॉग लैंप रहने वाली है, इसमें मैट्रिक्स इंडिकेटर का भी ऑप्शन मिलता है, बट सर ने जो लगाया बिल्कुल OEM लगाया। नेक्स्ट इसकी तरफ चलते हैं गाइज, जैसे कि आप देख पा रहे हो साइड फुटरेस्ट लगाए गए, डोर हैंडल जो कि क्रोम के रहने, लोअर गार्निश लगाई गई, डोर वाइजर जो कि क्रोम का रहने वाला है, रूफ जैसे कि आप देख पा रहे हो क्रेटा को कहीं ना कहीं हमने ड्यूल टोन में लुक दे चुके हैं। मेन चीज जो गाड़ी के अलॉय या फिर शूज कहना चाहूंगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो ब्लैक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन बहुत एनहांसिंग लगने वाला है। इंटीरियर की तरफ चलते हैं तो भाई डोर पैनल जैसे कि आप देख पा रहे हो, आपने बता रहे कैसे लगे, नीचे की तरफ चलते हैं भाई, स्कफ प्लेट या फिर वेलकम प्लेट की बात करना चाहूंगा, इसमें क्रेटा लिखा हुआ मिल जाता है, आपके पास ऑप्शन आता है आप इसमें मैट्रिक्स स्टाइल भी ले सकते हो। जैसे कि आप देख पा रहे हो सीट कवर बहुत प्यारे रहने वाले, फिटिंग आपके सामने, ड्यूल सीट सारा आपके सामने रहने वाला, जैसे करके आपने बताना है कैसे लग रहे। स्टीयरिंग की तरफ चले तो भाई आप स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल आपको मिल जाते हैं। डैशबोर्ड की बात कर ले तो भाई जैसे कि आप फिनिशिंग देख पा रहे हो, सब कुछ आपके सामने रहने वाला है। 628 किलोमीटर गाड़ी अपनी चली हुई है जैसे कि आपको देख पा रहा होगा। डैशबोर्ड आपको मैं दिखा दूं एक बार, आपके पास ऑप्शन आता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी लगा सकते हैं, परसेंट टू परसेंट वेरी करता है, सर ने लगाया नहीं बट आपके पास ऑप्शन आता है। सनग्लास होल्डर लगाया जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसमें आता नहीं है, सिर्फ यहाँ पे लाइट मिलती है आपको। रूफ हमने ब्लैक करी जैसे कि आपको देख पा रहा होगा, पिलर 6 के 6 पूरे कवर किए हमने जैसे कि आपको देख पा रहे होगा, 2, 2, 4 और पीछे अपने 6। रियर की सीट की तरफ आपको ले जाऊं, रियर वाला डोर पैनल देख पा रहे हो, पास से आपको दिखाऊं, सब कुछ आपको ड्यूल स्टेज पे मिल जाएगा। जस्टिस करके आपने बताना है कैसे लग रहे हैं भाई, स्कफ प्लेट या फिर वेलकम प्लेट कहना चाहूंगा, यहाँ पे भी हमने प्लेस करी है। रियर सीट की बात कर लेते हैं तो भाई आपके सामने रहने वाली है, अगर आपके पास आर्म रेस्ट भी होता तो आर्म रेस्ट भी यहाँ पे कवर हो जाता, पीछे से भी प्रॉपर ड्यूल स्टेज करेगी जैसा कि आपको देख पा रहा होगा। फाइनली टाइम आ चुका है, मैं आपको आउटपुट सुनाऊं, यहाँ पे तो सुनाऊंगा मैं आपको NCS। मेक श्योर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे जाके जरूर फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पे NCS इंस्टाग्राम पे आपको पंजाबी गाना मिल जाएगा। बेसिकली अपने चारों डोर में OXL स्पीकर चल रहे, कंपोनेंट नहीं चल रहे, यहाँ पे बताना चाहूंगा हैंड से स्टीयरिंग का भी काम स्टार्ट हो चुका है। गौरव प्ले कर, आउटपुट वगैरह सब कुछ आपने सुन ली होगी। जस्टिस करके आपने बताना है कैसी लग रही है आपको आवाज, जैसी अपना स्टीयरिंग का काम डन होता है फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ। जैसा मैंने आप लोग से कहा था, जैसी स्टीयरिंग कंप्लीट होता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ, पास से आपको दिखाऊं तो भाई स्टिचिंग आपके सामने रहने वाली है जैसे कि आप देख पा रहे हो। गियर नॉब का भी ऑप्शन आता है, इसमें टॉप वाली लगा सकते हो, बट जिनकी गाड़ी उन सर ने लगाई नहीं। सो गाइस जैसा कि मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया, यहाँ पे जिनकी गाड़ी रहने ले सारे सर हमारे रहने ले। सर पहले अपना नाम बता दीजिए आप एक एक करके। शिवराज गुजर भाई का नाम रहने ले। सर आपका? सोनू भैया। हरीश भैया आपका? लक्की भैया। भैया गाड़ी में सारा आपने काम देख लिया होगा आप लोग चारों ने, कैसा लगा सर? अच्छा लगा तो अच्छा बताओ, बुरा लगा तो क्या चीज बुरी लगी? भैया अच्छा लगा, कंप्लीट काम बहुत बढ़िया हुआ। सर आपको कैसे लगा? अच्छा काम हुआ है। मतलब किसी को भी रिकमेंड कर सकते हो? टाइमिंग की थोड़ी। सर मैं बताना चाहूंगा, इन सब प्रोसेस में जैसे आपका गाड़ी में सब कुछ हुआ है ना, मतलब मैक्सिमम एक टाइम लग जाता है, क्योंकि गाड़ी के आप पार्ट को ही खोल रहे हो, अब उसको ढंग से लगाएंगे तो कल आप वापस आओगे, फिर वापस आओगे तो आप भी कुछ इरिटेट हो ही जाओगे कहीं ना कहीं हद तक। सो गाइस जैसा कि आपने सर से भी सुन लिया होगा, सब कुछ सर ने शेयर कर दिया होगा, अब चलते हैं विजय भाई के पास प्राइस जानने के लिए। सो गाइस जैसा कि आपने सब कुछ जो क्रेटा काम कंप्लीट हो चुका है, विजय भाई अभी हमारी छुट्टी से आ चुके हैं, तो विजय भाई आप लोग को बहुत ज्यादा लोग मिस कर रहे थे, पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा। अब मोटी मोटी बात कर रहे थे, क्रेटा का जो इंटीरियर हुआ है उसकी कॉस्ट क्या है? उसकी कॉस्ट भैया 25,000 मलेशियन लेदर की। हाँ जी, तो बेसिकली मलेशियन की एक कॉस्ट। अगर मैं ये सेम टू सेम कपड़े को साका में कराऊं तो क्या कॉस्ट आएगी? जो है
इतना ही आएगा अप्रोक्स, ऊपर नीचे हो जाएगा। जब आप नेक्स्ट चीज की बात कर रहे हो, चारों डोरों में अपने जो कोएक्सियल स्पीकर लगे रॉक फोर्ड के, उसकी क्या कॉस्ट रहने वाली है? 4800 पर पेयर, टू पेयर रहने वाले। नेक्स्ट चीज की तरफ जाते विजय भैया, तो फॉग लैम्प जो अपनी गाड़ी में लगी है उसकी क्या कॉस्ट रहने वाली है? वो सर 58 का है, ओरिजिनल OEM टाइप रहने वाला है। बिल्कुल OEM टाइप है, बिल्कुल। अच्छा विजय भाई, अगर किसी का मन है मेरे को मैट्रिक्स डलवाने तो क्या कॉस्ट आएगी? सर फिर वो चाइनीज आते हैं, उसका कॉस्ट भी कम है, 4500-4300 रुपए। अच्छा मतलब OEM से कम रहने वाला है। और एक उसमें 3200-3000 रुपए का भी आता है, मैट्रिक्स वाला ही जो है। ठीक है, नेक्स्ट चीज की तरफ चलते विजय भाई, मैं जानना चाहूंगा जो एंड्रॉइड सीरो लगाया 10 इंच का, उसकी क्या कॉस्ट रहने वाली है? वो सर 10500। 10500 कितना जीबी वाला रहने वाला है? वो 2+16 है, और एंड्रॉइड जो है क्रेटा का, जैसे मोड ड्राइव और कई कंपनी आते हैं जिनकी 6500-6700 रुपए का भी जो आ जाते हैं, वो हम लगाते ही नहीं। बेसिकली इसमें टेस्ला टाइप भी हमको मिल जाएगा, टेस्ला टाइप भी मिल जाएगा, ब्लू पंक का भी एंड्रॉइड मिल जाएगा हमारे पास, मेगा ऑडियो का मिल जाएगा, कई कंपनी मिल जाएगा। मोटा मोटा आपको बता चुका, बहुत सारी वेरायटी हम लोग के साथ क्रेटा के लिए लेके। अब पूरा ओवरऑल कॉस्टिंग क्या लगे इस गाड़ी में? उसके अंदर सर टोटल जो हम उनसे अमाउंट लिया हो 71,750 रुपए। 71 मतलब 71,750 रुपीज लगे ओवरऑल गाड़ी में। सो गाइस जैसा कि आपने सब कुछ रहा, गाड़ी का ओवरऑल लुक कैसा रहा आपने कमेंट करके बताना। विजय भाई एक बार शॉप का एड्रेस जाना चाहो, क्या रहने वाला है? 10172 अब्दुल अजीज रोड, करोलवा, क्रिस्टल पार्क। जब आप नहीं थे ना तो मेरे को ही बताना पड़ रहा था। सो गाइस जैसा कि आपने देखा होगा, मैंने सब कुछ एड्रेस बता दिया, गूगल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कहीं से भी आ रहे हो A to Z प्लेस से आपको बड़े इजीली गूगल मैप को फॉलो करके आ सकते हो। सो गाइस यही थी आज की वीडियो, होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई लाइक करे बिना मत जाना, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो यहाँ तक वीडियो देख ली सब्सक्राइब करके जरूर जाना, शेयर नहीं किया दोस्त फैमिली मेंबर्स तक फैला दो, कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी आपको आज की वीडियो। सो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टिल देन विजय भैया बाय।